भारत के बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी सीमेंट इंडस्ट्री में एक नया धमाका कर सकते हैं। सीमेंट सेक्टर में उतरते ही गौतम अडानी बहुत कम वक्त में टॉप पर पहुंच गए और अब एक बार फिर से उनके सामने एक नई डील तैयार खड़ी है। अगर ये डील हो जाती है तो सीमेंट सेक्टर में अडानी की प्रेजेंस पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, माइंस, एनर्जी और रियल एस्टेट कामकाज कर रही गौतम अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में दमदार मौजूदगी की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल गौतम अडानी को ओरिएंट सीमेंट से ऑफर मिला है। उद्योगपति सीके बिड़ला ओरिएंट सीमेंट में अपनी स्टेक होल्डिंग जो कि तकरीबन 37% है उसे बेचना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अडानी से कॉन्टेक्ट किया है। डील अगर हो जाती है तो सीमेंट सेक्टर में ये एक बड़ी डील होगी। गौतम अडानी इस सेक्टर में अपना पोर्टफोलियो मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में 3 बड़ी सीमेंट कंपनियों को वो पहले ही एक्वायर कर चुके हैं। होलसिम के इंडियन बिजनेस को उन्होंने पिछले साल सितंबर में एक्वायर किया था। $10 बिलियन से ज्यादा की इस डील में उन्हें ACC और अंबुजा सीमेंट मिले थे। फिर इस साल अगस्त में उन्होंने सांगी इंडस्ट्रीज के सीमेंट बिजनेस को भी खरीद लिया है। ओरिएंट सीमेंट की खरीदारी से गौतम अडानी साउथ इंडिया में अपनी पकड़ जमा पाएंगे। सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के चलते साउथ में सीमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ेगी और इसका फायदा गौतम अडानी को मिलेगा। 2028 तक गौतम अडानी ग्रुप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 14 करोड़ टन सालाना पर पहुंचाना चाहती है। वेल, गौतम अडानी ग्रुप द्वारा ओरिएंट सीमेंट को खरीदने की कोशिश की खबर सामने आने के बाद गुरुवार को ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स में करीब 1.74% की तेजी दर्ज की गई और ये 207.75 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। ओरिएंट सीमेंट के बिजनेस और शेयर्स की बात कर लें तो ओरिएंट सीमेंट का मार्केट कैप 4,250 करोड़ रुपए का है। ओरिएंट सीमेंट के पास कई राज्यों में बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बड़ी हिस्सेदारी पर काबिज है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी कंपनी के पास अच्छी हिस्सेदारी है। अभी कंपनी की कुल कैपेसिटी करीब 8 मिलियन टन सालाना है जो कि सांगी इंडस्ट्रीज की 6.1 मिलियन टन सालाना की कैपेसिटी की तुलना में ज्यादा है जिसे अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने खरीदा है। अगर इसके शेयर्स की बात कर लें तो इसके 52 हफ्ते का उच्च स्तर 209.65 रुपए जबकि 52 हफ्ते का निचला स्तर 104 रुपए है। पिछले 5 दिन में ही ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स 10% तक तेज हो चुके हैं। पिछले एक महीने में ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को 20% से ज्यादा का रिटर्न भी दे दिया है। अगर हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो अभी भारत में अडानी ग्रुप से आगे सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट के पास अभी सालाना 140 मिलियन टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है जबकि अडानी ग्रुप के पास 70 मिलियन टन के प्रोडक्शन कैपेसिटी है और अडानी इसमें दूसरे नंबर पर है। अडानी इसे बढ़ाकर 140 मिलियन टन एनुअली करना चाहते हैं और ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन की डील से अडानी को अपना ये टारगेट पाने में मदद भी मिल सकती है। हालांकि अभी इस प्रपोज्ड डील के बारे में ऑफिशियली ना तो अडानी ग्रुप की तरफ से कोई कमेंट किया गया और ना ही ओरिएंट सीमेंट ने कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस बारे में दी है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।